नमस्कार साथी, मैं वशीष और आप देख रहे हैं मेरी अपना चैनल दो कदम। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप सीएससी पोर्टल के माध्यम से समग्र ईकेवाईसी कैसे करेंगे, बायोमेट्रिक के माध्यम से या फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से, क्योंकि अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उनका आप बायोमेट्रिक के थ्रू जो है समग्र ईकेवाईसी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वही तरीका हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको वाकई तरीके से मालूम हो जाएगा कि आप कैसे जो है सीएससी पोर्टल के माध्यम से समग्र ईकेवाईसी बायोमेट्रिक से कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समग्र ई केवाईसी करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा, वहां से विजिट करके भी आप इस वाली वेबसाइट पर आ सकते हैं। वैसे आप यूरल के जरिए भी आ सकते हैं, service.csccloud.in/samagra, और आपके सामने ये जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना सीएससी आईडी को लॉग इन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिजिटल सेवा कनेक्ट का, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके जो है अपनी सीएससी आईडी को कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे हम डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी आईडी फाइनल तरीके से लॉग इन हो गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मेरी अकाउंट की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मेरी सीएससी आईडी और मेरा नाम और मैं कौन से स्टेट यानी कौन से राज्य से हूँ, तो वो सारी की सारी बेसिकली जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का केवाईसी करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड का, तो सिंपली आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको मेंबर का समग्र आईडी एंटर करना है, यानी मेंबर आईडी एंटर करना है। आप में से बहुत सारे लोग जो केवाईसी करते हैं तो अक्सर करके परिवार आईडी एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको परिवार आईडी बिल्कुल नहीं एंटर करना है। जिस भी कैंडिडेट यानी जिस भी सदस्य का केवाईसी करना चाहते हैं उसका नंबर यहाँ पर आईडी डालना है। जैसे कि अभी बहना योजना का केवाईसी चल रहा है समग्र वाला, तो यहाँ पर आपको किसी एक बहना जिनका आप केवाईसी करना चाहते हैं उन्हीं का कहना मानकर यहाँ पर उनका समग्र आईडी एंटर कर देना है। ओके, और इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक पॉपअप शो कर रहा है, अंकित की गई समग्र आईडी में आपका ई केवाईसी उपलब्ध नहीं है, ई केवाईसी करने के लिए आगे प्रस्थान करें, तो यहाँ पर ओके का बटन है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, अब यहाँ पर आपको केवाईसी करने के कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको दिशा निर्देशों को पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पष्ट वही बताया है कि सबसे पहले आपको एक नया नंबर या फिर आपको जो अपडेट करना चाहते हैं समग्र आईडी में, वो नंबर पर एक ओटीपी यानी ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना है, और इसके बाद जो सत्यापन होने के बाद जो है आपका आधार ऑथेंटिकेशन जो है ई केवाईसी की प्रारंभिक अनुमति दी जाएगी, मतलब उसके माध्यम से आपको आगे केवाईसी करना है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सदस्य का मेंबर यानी सदस्य आईडी यहाँ पर आप देख सकते हैं वो उनका आ गया है जो हमने वहां पर एंटर किया था, और यहाँ पर आपको ये जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है सिंपली आपको जो है यहाँ पर एंटर कर देना है, जो भी जैसा लिखा हुआ है उससे आपको यहाँ पर एंटर करने के बाद क्या करना है, नीचे आप खोजे का एक ऑप्शन दिखाई दे तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है आपकी समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, तो कृपया अपना नया वाला जो है मोबाइल नंबर दर्ज करने के लिए कह रहा है, तो ओके बटन का क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अपना नया वाला जो मोबाइल नंबर है ना उसे आपको एंटर करना है, तो यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर एंटर किया। इसके बाद ओटीपी भेजे का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है, और देखिए यूजर के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है सक्सेस और आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है, क्लोज। अब यहाँ पर आपको प्रविष्ट करना है जो ओटीपी आया है उसे। ओके, यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे आप देखेंगे सुरक्षित करे का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर आपके सामने जो है व्यक्तिगत जानकारी आ जाएगी जिसका आप समग्र आईडी एंटर किए हैं यानी मेंबर आईडी, यहाँ पर मेंबर का समग्र नंबर, नाम, जेंडर और पता। ओके, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। ओके, लेकिन हम यहाँ पर समग्र केवाईसी कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी होगा भी तो आप नहीं पर ही टिक करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो बहुत सारा डिटेल भरना होता है। जैसे आप नहीं पर टिक करेंगे आगे बढ़ने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो सिंपली आपको यहाँ पर
क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा व्यक्तिगत जानकारी। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, वर्चुअल और आधार। ओके, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का आधार नंबर एंटर करना है क्योंकि उनके हम केवाईसी करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पर आधार एंटर करने के बाद नीचे आप देखेंगे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक है ओटीपी द्वारा, मतलब उनके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप ओटीपी के माध्यम से केवाईसी कर सकते हैं। अगर उनका आधार पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप क्या करेंगे, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बायोमेट्रिक के माध्यम से करूंगा और मेरे सिस्टम में मेरे बायोमेट्रिक अटैच है क्योंकि मैं मंत्रा की डिवाइस पहले से अटैच है। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बायोमेट्रिक मशीन पर आवेदक की फिंगरप्रिंट आधार लगाकर ई केवाईसी करना है। ओके, तो सिंपली आपको यहाँ पर टिक करना है, हाईलाइट हो जाएगा, ओके बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर मेरी डिवाइस आ गई मंत्रे की, जो भी मेरे सिस्टम के साथ लगा हुआ है। इसके बाद इस तरफ आप देखेंगे आवेदक की उंगली का निशान यहाँ पर आपको लेना है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यूजर से कहना है कि फिंगर लगाओ, यहाँ पर फिंगर लगा दिया है, कैप्चर सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ई केवाईसी थर्ड फिंगरप्रिंट, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर उनके फिंगरप्रिंट के आधार बेस से सारा का सारा डिटेल आ जाएगा उनका आधार कार्ड के अनुसार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समग्र के अनुसार भी और आपको इधर आधार के अनुसार भी यहाँ पर उनकी सारी की सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टर्म एंड कंडीशन की वजह से मैंने यहाँ पर जो है बिलर रखा है। इसके बाद यहाँ पर चेक कर लेना है कि नाम सही उनके आधार कार्ड वगैरह में सारा का सारा। इसके बाद इन दोनों में आपको चेक बॉक्स कर देना है। जैसे अब यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए तो यहाँ पर एक नाम वाला जो ऑप्शन खुल जाता है, जैसा नाम अभी तक के आधार में है वैसे ही आपको यहाँ पर एंटर कर देना। अगर मिसमैच है तो आप इसे सही से सुधार करके लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजें। ओके, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यूजर का केवाईसी जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर की सक्सेसफुली का केवाईसी की सारी डिटेल आ गई, ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह और कितने तारीख को हुआ वो सारी की सारी। इस तरीके से आप जो है यूजर की केवाईसी फाइनल तरीके से कर सकते हैं। सारा का सारा क्रेडिट जो है लाडली बहना को जाता है क्योंकि 1,000 रुपए उन्हीं को मिलना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक जरूर शेयर करना।